आज का हमारा टॉपिक है टाइप टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड। तो टाइप टू के क्वेश्चंस इस तरह टाइप के होंगे कि एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अंडर रूट, यानी जो अंडर रूट के नीचे एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो हैं वो टाइप टू के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे ताकि हम अंडर रूट को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर 2 बोथ साइड, एक्स प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब हमारे पास ए प्लस बी की फॉर्म में फार्मूला आ गया है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी की जगह पे है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी हमारे पास 21 अंडर रूट और इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 60। रूट और स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट डॉट एक्स प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 5 प्लस 21 26 आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 20 होल अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट, क्योंकि हम जानते हैं ए अंडर रूट डॉट बी अंडर रूट बराबर होता है ए बी होल अंडर रूट के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 26 प्लस 2 इंटू, अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 21 के साथ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस, अब 5 की बारी एक्स के साथ और 21 के साथ, प्लस 5x प्लस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आ जाएगा 105 होल अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 26 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x 26x प्लस 105 होल अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। तो यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 माइनस 2x माइनस 26, यानी 2x प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, इसी तरह 26 प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ माइनस का 26 हो गया। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 105 होल अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस का है और माइनस का 2x है तो बाकी बचेगा माइनस का एक्स, प्लस 60 में से माइनस 26 करें तो 34 आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26 प्लस 105 अंडर रूट इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका क्या लेंगे स्क्वायर ताकि इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाए। अगेन टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड, दोनों तरफ तरफेन का दोबारा मुरब्बा लेने से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल अंडर रूट
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के। अब 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 104x आता है, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो 420 आएगा। 34 का स्क्वायर हमारे पास है 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 68x आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 68x प्लस 402 माइनस 1156 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ये तमाम की तमाम जो रकमें थी मैंने इस तरफ लिख दी हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, बाकी 3x स्क्वायर बचता है प्लस 104 जमा 68 172x माइनस 1156 में से 420 गया तो हमारे पास आ गया 736 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको करेंगे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते हैं, पहले और आखिरी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2208 एक्स स्क्वायर माइनस का। अब इसके हमने दो पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास जमा का 172x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2208x स्क्वायर आए, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर 12x प्लस 184x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 4 जमा 184 कॉमन, x माइनस 4 आएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 दोनों में है कॉमन आ गया, बाकी बचा 3x जमा 184 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 184 डिवाइड बाद में कर लेते हैं या दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड कर लें तो x आ जाएगा माइनस 184 बाय 3। अब चेकिंग के लिए जब हम x की जगह पे, यानी इक्वेशन 1 के अंदर क्वेश्चन के अंदर जब हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जब हम x की जगह पे माइनस 184 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी इक्वेशंस की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएगी, तो लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, 4।